हे दोस्तों, डिप्लोमा सेल्फ फाइनेंस की थर्ड लिस्ट आ गई है और बहुत सारे कैंडिडेट्स रिजल्ट चेक भी कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आप ही लोगों से कुछ रिक्वेस्ट आया था, कुछ कैंडिडेट्स का रिक्वेस्ट आया था कि हम वीडियो चाहते हैं, तो आप वीडियो बना के कट ऑफ के साथ दिखाइए, जिससे अगले साल आने वाले स्टूडेंट को फायदा हो। दोस्तों, ये बहुत खुशखबरी है कि मैं फायदा जैसे सोचता हूँ दूसरे के भला के लिए, उसी तरह आप लोग भी दूसरे के भला के लिए सोच रहे हैं कि आने वाले जो कैंडिडेट्स होंगे अगले साल, उनके लिए एक कट ऑफ YouTube पे पड़ा रहेगा, जिससे उनको देख के जितना भी मार्क्स आने वाले हैं 2020 में, उनसे उनको पता चल जाएगा कि उनका एडमिशन होगा या नहीं होगा। इसलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूं। ऐसे रिजल्ट आए हुए 2-3 दिन हो गए हैं दोस्तों, फिर से आप एक बार देख लीजिएगा, कट ऑफ आपको हेल्प करेगा। और इस वीडियो के अलावा मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करने वाला हूं इस साल। जो भी कैंडिडेट्स अगले साल देना चाहते हैं या चाहे सेल्फ फाइनेंस से वो रेगुलर में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं प्रिपरेशन करवाने वाला हूं। YouTube पे ऑनलाइन आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा, कोई भी फीस नहीं लगने वाला है। आपको फ्री एजुकेशन मिलेगा, फ्री ट्रेनिंग मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज होगा, फ्री में आपको बैक ईयर का क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे जो बटन है सब्सक्राइब का, लाल जो बटन है उसको हिट कर दीजिएगा, और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन के लिए ऊपर बेल आइकन को जो है आइकन उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। लाइक बहुत जरूरी है दोस्तों, लाइक से ही ये चैनल चल रहा है। लाइक हमारे लिए पेट्रोल की तरह काम करता है, एलपीजी की तरह काम करता है, तो लाइक भी जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, जिनका भी इनमें लिस्ट आया है, जिन कैंडिडेट्स का थर्ड लिस्ट में नाम आया है, उनका एडमिशन होगा 4 नवंबर को से लेके 4-5-6 को, यानी 3 दिन आपका एडमिशन होगा। अगर किसी को 4 को एडमिशन नहीं ले सकते हैं, कोई नहीं ले सकता है, तो 5 को भी आके एडमिशन ले सकता है, और 6 को भी यानी 6 नवंबर को भी आके एडमिशन ले सकता है। उनको आना होगा पॉलिटेक्निक के पास, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक ऑफिस में जाना होगा, और जाके जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके आपको जाना होगा। आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ लें, अगर डॉक्यूमेंट्स समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताएं, मैं आपका सॉल्यूशन बताऊंगा। दोस्तों, जिनका थर्ड लिस्ट में भी नाम नहीं आया है, वो फोर्थ लिस्ट का इंतजार करें, जिनका 7 नवंबर जामिया ने टाइम दिया है, यानी 7 नवंबर के आसपास अगली लिस्ट आएगी। 7 का दिया है तो हो सकता है 8 भी हो जाए, 9 भी हो जाए, 10 भी हो सकता है, 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है कहीं भी, इंसान है, गलती होती रहती है दोस्तों। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं कट ऑफ की तरफ। कट ऑफ में आप देख सकते हैं कि सिविल इंजीनियर का जो जनरल कैंडिडेट्स का जो कट ऑफ गया है वो 38.75 गया है, मुस्लिम कैंडिडेट्स का गया है 37.75, मुस्लिम ओबीसी और एसटी का गया है 37.00, मुस्लिम वुमेन यानी मुस्लिम लड़कियों का है 9.25, यानी जो लड़कियां 10 नंबर भी लाई हैं उनका भी पॉलिटेक्निक में एडमिशन हुआ है जामिया मिलिया इस्लामिया में। आप देख सकते हैं इस वीडियो में 9.25 कट ऑफ गया है 170 क्वेश्चंस में। दोस्तों, ये आम बात नहीं है, बहुत खास है कि बहुत कम कट ऑफ गया है लड़कियों का। जामिया इंटरनल कैटेगरी से जो कट ऑफ गया है वो 17.00। अब हम बढ़ते हैं अगली लिस्ट में। अगली लिस्ट है, ये है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। कंप्यूटर इंजीनियरिंग जामिया का बहुत डिमांड पे आजकल चल रहा है, उसमें जनरल का आप देख सकते हैं 38.25 है, मुस्लिम कैंडिडेट्स का 37.00, मुस्लिम ओबीसी एसटी का 35.75, मुस्लिम वेमेन का जो कट ऑफ गया है 15.25। इसमें कंप्यूटर में ज़्यादा कट ऑफ गया है लड़कियों का भी। जामिया इंटरनल कैटेगरी का गया है 17.50। ये था कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ सेल्फ फाइनेंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग का। अब बढ़ते हैं अगली ब्रांच की तरफ। अगला जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आप देख सकते हैं जनरल का जो कट ऑफ गया है 36.50, मुस्लिम कैटेगरी का गया है 35.50, मुस्लिम ओबीसी एसटी का 34.50, मुस्लिम वुमेन का गया है 8.75। 9 नंबर भी आएगा मुस्लिम लड़कियों का तो एडमिशन हो जाएगा जामिया पॉलिटेक्निक में। जामिया इंटरनल का गया है 11.75। अब हम बढ़ते हैं अगली लिस्ट में। अगली लिस्ट जो है, अगली ब्रांच जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसकी कट ऑफ आजकल बहुत लो जा रही है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और लो जाने का कारण ये है कि लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से भाग रहे हैं, कंप्यूटर में ज़्यादातर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच है उसका जनरल कैटेगरीज है 17.50, मुस्लिम कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है 34.25 मार्क्स पे गया है,
उसके बाद मुस्लिम ओबीसी एसटी का गया 34.00, मुस्लिम वीमेन का गया 13.25, जामिया इंटरनल का गया है 11.50। दोस्तों ऐसे ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स का कम कट ऑफ गया है, लेकिन मुस्लिम वीमेन का 13.25 गया है, यानी लड़कियों का जो फर्स्ट चॉइस है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। दोस्तों हम अब बढ़ते हैं, अगला जो ब्रांच है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देखें, जनरल कैटेगरी गया है 36.75, मुस्लिम कैटेगरी गया है 36.00, मुस्लिम ओबीसी एसटी का गया है 35.00, मुस्लिम वीमेन का गया है 7.50, जामिया इंटरनल का गया है 11.50, यानी 11 मार्क्स। लड़कियों का तो 8 भी 7 भी नंबर आएगा तो हो जाएगा डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जामिया मिलिया इस्लामिया में, बट अगर इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो 15-20 से ऊपर लाना पड़ेगा। ये था दोस्तों कट ऑफ। अब जिनका सिलेक्शन हुआ है वो अपना रिजल्ट मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आराम से चेक कर सकते हैं। मैं ये जो पीडीएफ है उसको मैं आपको फ्री में दे दूंगा, आप जाके ऑनलाइन मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये थर्ड लिस्ट है, फोर्थ भी आने वाला है, फिफ्थ भी आने वाला है, सिक्स्थ भी आएगा। जनरल का 6 लिस्ट आई थी दोस्तों, और इसमें धड़ल्ले के साथ वेटिंग कंफर्म हो रहा है, इसके मतलब ये है कि आपका भी चांस बनता है। दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग का पहले रिजल्ट है, जनरल कैटेगरी के 16 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग में ही मुस्लिम कैटेगरी का 12 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और सिविल इंजीनियरिंग में मुस्लिम ओबीसी एसटी का 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और सिविल इंजीनियरिंग में मुस्लिम वीमेन का 7 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग में जामिया इंटरनल का 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। आप अपना रिजल्ट रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर सकते हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस का जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है उसमें जनरल के टोटल 24 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, मतलब कंप्यूटर में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी का। उसके बाद मुस्लिम कैटेगरी का भी 20 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मुस्लिम ओबीसी एसटी के 6 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है उसमें 1 मुस्लिम वीमेन का कंफर्मेशन हुआ है, और जामिया इंटरनल कैटेगरी में 2 कैंडिडेट्स का कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कंफर्मेशन हुआ है। अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जनरल कैंडिडेट्स के 22 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, उसी हिसाब से अगले लिस्ट में भी 10 तो आने ही वाले हैं दोस्तों, 50% तो पक्का आने वाले हैं चौथे लिस्ट में। मुस्लिम कैटेगरी में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 17 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और इलेक्ट्रिकल में मुस्लिम ओबीसी एसटी का 6 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही मुस्लिम वीमेन का 7 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही जामिया इंटरनल कैटेगरी के 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में देखते हैं कि जनरल के जो कैंडिडेट्स हैं वो 29 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जनरल कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और मुस्लिम कैटेगरीज में आप देख सकते हैं 21 कैंडिडेट का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है मुस्लिम ओबीसी एसटी का 7 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, और मुस्लिम वेमेन का इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, और जामिया इंटरनल कैटेगरी का 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। अब जो लास्ट ब्रांच है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जनरल कैटेगरी के 20 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मुस्लिम कैंडिडेट्स का 17 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मुस्लिम ओबीसी एसटी के 5 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे मुस्लिम वीमेन का है। मुस्लिम वीमेन का आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं 5 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और जामिया इंटरनल कैटेगरी के 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और जो ब्रांच चेंज आप देख सकते हैं, ब्रांच चेंज भी हुए हैं, जो जिनका मन का चॉइस नहीं मिला था पहले लिस्ट में दूसरी लिस्ट में मिल गया है, और जिनका अभी भी चॉइस के हिसाब से ब्रांच नहीं मिला है उनका भी अगले लिस्ट में अपग्रेडेशन होगा। अगले लिस्ट में आप अपना रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर सकते हैं। ब्रांच चेंज में देखिए मैकेनिकल से आप देख सकते हैं मैकेनिकल से सिविल की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है जो कि मैकेनिकल से सिविल में गया है। और दूसरा ब्रांच चेंज देखिए सिविल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से 2 कैंडिडेट्स गए हैं जामिया इंटरनल कैटेगरी के। उसके बाद आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिविल से गए हैं कंप्यूटर की तरफ, उसके बाद मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से गए हैं कंप्यूटर की तरफ। अगला लिस्ट है आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल में गए हैं, दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल में गए हैं 1 कैंडिडेट, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में 4 कैंडिडेट्स का कंफर्मेशन हुआ है। ये था दोस्तों ये चौथी लिस्ट।
अब दोस्तों आपको अगली लिस्ट भी आने वाली है, जो मैं आपको बताया कि 7 नवंबर के इन्होंने डेट दिया है, वो एक दो दिन आगे पीछे जामिया में हो जाता है, बट जिनका लिस्ट में नाम आया है उनको 4 से लेके 6 के बीच में जाना होगा, यानी 4 नवंबर को, 5 नवंबर को और 6 नवंबर को जामिया में जाकर एडमिशन लेना होगा, डॉक्यूमेंट सारे ले जाने होंगे। बहुत सारे ऐसे एफिडेविट है जो जामिया के आसपास बनते हैं, जैसे ओखला हेड पे बनते हैं, सराय जुलेना में भी शर्मा फोटो स्टेट है, वहां भी बन जाता है दोस्तों। उसके अलावा आप अगला लिस्ट भी जरूर देखें, उसमें ब्रांच चेंज का भी आएगा और जो नए फ्रेश जो वेटिंग वाले हैं उनका भी कंफर्मेशन होगा। कट ऑफ आप देख सकते हैं 38, 38, 36, 35, 36, यानी 35 के आसपास कट ऑफ गया है दोस्तों इस लिस्ट में। दोस्तों और भी नीचे जाने वाला हो, जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 30 के आसपास कट ऑफ जाएगा, यानी 27 तक ओबीसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ऐसे ही यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। ये ऑन डिमांड की वीडियो थी, शारिक भाई ने इसको डिमांड किया था इसलिए मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूं। ऐसे ही आप डिमांड करते रहिए, मैं आपका डिमांड को फुलफिल करता रहूंगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।